गाइस वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इजी रेसिपी है बट बहुत टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल आसानी से बनने वाली विंटर रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू मेथी की सब्जी। आलू मेथी जो है मोस्टली सभी को बहुत पसंद होते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। मेथी जो है सर्दियों में हमें ज़रूर खानी चाहिए, बहुत टेस्टी यम्मी और डिलीशियस बनती है ये रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टेस्टी यम्मी और डिलीशियस आलू मेथी। आलू मेथी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है मेथी ली है आधा किलो, हाफ के जी, और इस तरह से जो है ना मैंने उसकी डंडियों को जो है अलग कर लिया है। इस तरह की जो डंडियाँ रहती हैं उन्हें जो है हम अलग कर लेंगे और इनके जो पत्ते हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। डंडियों में थोड़ी ज़्यादा कड़वाहट होती है इसीलिए उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब इसे जो है अच्छे से हमें जो है वॉश करना है 2 से 3 बार पानी में और उसे जो है फिर हम कट करेंगे। मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह से कट कर दिया है और आलू को भी जो है मैंने इस तरह का जो है चॉप किया है। आप अपनी हिसाब से जो है छोटा बड़ा जैसे भी काटना चाहे काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने जी लिया है 1 मीडियम साइज़ का जो है प्याज, यहाँ पर 3 से 4 लहसुन और हरी मिर्च ली जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और कुछ सूखे मसाले लिए हैं जिसमें 1/2 टीस्पून जो है नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर। बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं। अब एक पैन में तेल लेंगे 2 से 3 चम्मच और उसमें जो अपना जीरा डालेंगे और उसे हल्का हल्का सॉटे करेंगे। जैसे ही जीरा हल्का से भुनने लगे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का जो है चॉप किया हुआ अनियन और उसे अच्छे से सॉटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे लगातार स्टर करते रहिए। स्टेज पर मैं यहाँ पर जो है लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी उसे भी ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से जो है स्टर करती रहूँगी जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो प्याज और लहसुन वगैरह हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपने कटे हुए आलू और इन्हें जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से जो है कुक करते रहेंगे। ये थोड़े बचे हुए आलू थे इसे भी मैं जो है यहाँ ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद मैं यहाँ पर जो है मेथी ऐड करूँगी, सारी मेथी को जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से जो है मिक्स कर लूंगी ताकि आलू मेथी जो है प्याज और हमारे जो लहसुन हरी मिर्च वगैरह डाला है तो उसका जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ सके। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने आलू मेथी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, 2 से 3 मिनट इसे भी जो है अच्छे से भून लिया है। अब स्टेज पर मैं यहाँ पर सूखे मसाले जिसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कोई और मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, पर ये बहुत सिंपल सब्जी बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत डिलीशियस लगती है। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है ढककर। ये देखिए ये 80% जो है कुक हो चुकी है, अच्छे से स्टर कर लिया है मैंने इसे। अब सब्जी हमारी अच्छे से कुक हुई है या नहीं ये देखने के लिए आप इस तरह से जो ना एक आलू को दबा कर देखिएगा, अगर वो इजीली प्रेस हो रहा है तो उससे पता चल जाता है कि हमारे आलू गल गए हैं नहीं, बट ये थोड़ी सी इसमें कसर है इसीलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर और पकाऊंगी ताकि आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए अब हमारी सब्जी ने जो है ना ऑयल भी अपना छोड़ दिया है, ये देखिए साइडों में जो है ना इसके ऑयल आना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स हमारी सब्जी जो है बहुत अच्छे से कुक हुई है। इसे आप रोटी, चपाती, नान किसी के साथ भी जो है इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी आलू मेथी बनकर जो है बिल्कुल तैयार है और यकीन मानिए ये खाने में बहुत यम्मी और डिलीशियस लगती है। सर्दियों में मेथी खाना ज़रूरी है, ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए भी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जो है अच्छे अच्छे सजेशन देना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।